पूरी दुनिया में 37 मिलियन यूट्यूब चैनल हैं, जिनमें से कुछ सक्सेसफुल हैं और कुछ नहीं। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे चैलेंजेस करते हैं जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं अगले 50 घंटे इस कॉफिन में जिंदा दफन होकर बिताने वाला हूँ। और क्या होगा अगर ये यूट्यूबर्स मेरे को चैलेंज दे? तो मैंने जमा किया 100 यूट्यूबर चैलेंज, और कोई कोई चैलेंज तो ऐसे हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या मैं ये सारे चैलेंजेस कर पाऊंगा या नहीं? और हाँ, ये सारे चैलेंजेस एक एप्लीकेशन में है। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है वेस्ट 100 डायमंड। भाई, ये चैलेंज सुनने के बाद मैं जल्दी से अपने गेम पे गया और अपने आईडी लॉगिन करके देखा मेरे पास कितने डायमंड है। और गेस व्हाट, मेरे पास थे बस 5 डायमंड। 5 डायमंड देखने के बाद मैं जल्दी टॉप वाले सेक्शन में गया और मैंने 100 डायमंड का टॉप अप किया। फिर मैं गया स्टोर में और ऐसे आइटम ढूंढने लगा जो मुझे कभी काम ना आए, और मुझे मिला ये। भाई, ये पता नहीं क्या है लेकिन ये मेरे को कभी काम नहीं आने वाला, इसलिए मैं 100 डायमंड का ये खरीद लेता हूं। और इसको खरीदने के बाद हमारा फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैलेंज, टोटल गेमिंग विन विदाउट लैंडिंग। तो जैसा कि टोटल गेमिंग ने हमें चैलेंज दिया है विन विदाउट लैंडिंग, मतलब मेरे को जमीन पे टच हुए बिना भूया करना है, वो भी हवा में। तो प्लेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो मेरे को उतरना नहीं है भाई, प्लेन में ही रहना है बिल्कुल। चलो देखते हैं हम कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं प्लेन के अंदर। अभी 29 बंदे हैं गेम में, स्टिल इन कैबिन 2। भाई, दो बंदे बचे प्लेन में, वो मैं अकेला बचा हूँ प्लेन में अभी तक। वो एक बंदा मर भी गया भाई, एक बंदा मर भी गया और फिर रिवाइव हो गया यार वो। ये क्या बात हुई, अभी तक 29 ही बंदे बचे हैं। भाई, जल्दी जल्दी मरो यार, मेरे को भूया करना है हवा में। वो एक और बंदा मरा भाई, एक और बंदा मरा, लेकिन यार ये शुरू शुरू में मर के दोबारा जिंदा हो जाते हैं ना। 28 बंदे हैं अभी, जल्दी यार मेरे को जमीन पे टच होने से पहले भूया करना है। ओहो, 27 बंदे हो गए, 26 बंदे हो गए। मरो भाई, ऐसी मरो, जल्दी जल्दी मरो। और मैं जमीन पे लैंड हो चुका हूँ यार, हट। इसी तरह एक गेम बीते, दो गेम बीते, फिर मुझे समझ में आया कि टोटल गेमिंग ने दिया है हमको थोड़ा ट्रिकी चैलेंज विन विदाउट लैंडिंग। मतलब मैं जब भूया करूँ तब मैं हवा में होना चाहिए, इसलिए मैंने बुलाया अपने दोस्तों को और उनसे कहा कि तुम लॉबी संभालो और जब लास्ट बंदा बचे तो मेरे को रिवाइव दे देना। भाई, मरने से पहले रिवाइव दे दे भाई। ओहो, बच गया मैं, बस एक जना और बचा है हमारे अलावा, हमारी स्क्वाड के अलावा। वो भाई, एक और नॉक हो गया, वो अपनी टीम का एक बंदा नॉक हो गया भाई दोन में। भाई, जल्दी मार दो यार, मेरे नीचे लैंड होते पहले। ओहो, मार दिया भाई। ओ भाई, फाइनली हमने विन विदाउट लैंडिंग चैलेंज पूरा कर लिया। ब्लैक फ्लैग आर्मी, Ask random if they know you। तो ये देखने के बाद मैं सीधे चला गया अपने YouTube चैनल पे और मैं देखा अपने सब्सक्राइबर को जो थे 16,000। फिर मैं गया Google पे और मैंने सर्च किया इंडिया पॉपुलेशन जो थी 1.4 बिलियन। इसका मतलब है 1.4 बिलियन लोगों में से बस 16,000 लोग ही मुझे जानते हैं। फिर क्या था, थोड़ी सी उम्मीद लेके मैं चला गया गेम पे और वर्ल्ड चैट में रिक्वायर डाल के सारे बंदों से पूछने लगा, हेलो राइस्टार, क्या तुम मुझे जानते हो? हेलो भाई, हेलो भाई, तमिल हिंदी आती है? हिंदी भाई, पता नहीं क्या बोल रहा था यार। हेलो नीरज, हेलो, हेलो। तो इतने सारे लोगों से पूछने के बाद मेरा ध्यान माइक पे गया जो कि ऑफ था, मतलब मैं इतनी देर से जो मेहनत कर रहा था वो सारी बेकार गई। फिर क्या था, फिर मैंने अपना माइक ऑन किया और बाकी बंदों से पूछने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? भाई, नहीं जानता तुमको, बट लगता है तुम गेमर हो यार। हेलो रेड बुल एफएफ, हेलो, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं भाई, कोई क्यों नहीं जानता मेरे को, मुझे क्या पता तुम कौन हो, नहीं हो। हेलो भाई, क्या तुम मुझे जानते हो? हेलो भाई, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका यूट्यूब पे गेमर सेफ नाम है ना। अरे हाँ भाई, चलो यार, कोई तो मिला जो मुझे जानता है। नेक्स्ट चैलेंज, क्यू जोशी, गिव योर गेम आईडी टू रैंडम फ्रेंड। चलो यार देखते हैं। और तुम सोच रहे हो कि मेरे पास बस 18 फ्रेंड है जिसमें से बस 2 ऑनलाइन है, और क्या होगा इनमें से किसी एक के पास अगर मेरी आईडी चली जाए? इनमें से आधे लोगों को मैं जानता हूँ और आधे लोगों को मैं जानता तक नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ गेम नहीं खेलता ठीक से। और अगर उनके पास मेरी आईडी चली गई तो वो मुझे वापस करेंगे या नहीं? तो मैं यूज करूंगा रैंडम नंबर जनरेटर का, और जो भी नंबर आएगा उस बंदे को मैं अपनी आईडी देने वाला हूं। तो हमारा नंबर है 3, 1, 2, 3, अभिनव। अब तुम सोच रहे हो कि अभिनव मेरा दोस्त है, लेकिन एक बात याद रखो, आईडी के लिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता। क्या मुझे अभिनव पे भरोसा करना चाहिए? क्या वो मेरी आईडी मुझे वापस करेगा? ये सब तो तभी पता चलेगा जब मैं उसे अपनी आईडी दूंगा। तो अभिनव भाई, तुम्हें मेरी आईडी कैसी लगती है? भाई, तुम्हारी आईडी तो बहुत मस्त लगती है यार, तुम्हारे जो पेट वगैरह ना मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए अपनी आईडी दूं तो तुम क्या करोगे? वैसे तो मैं रख लूंगा, बस 24 घंटे कम है यार। ये सुनने के बाद मेरे को अपनी आईडी देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ना ना भाई, 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें अपनी आईडी दूंगा, ठीक है? देखे देखो, चलो ठीक है, ये लो आईडी पास। 24 hours later, चलो अपनी आईडी लॉगिन करके देखते हैं। भाई ये क्या कर दिया इनने, भाई इनने पूरा नूबड़ वाले कपड़े पहना दिए, और इसने मेरा नाम चेंज करके भी जीएस अभिनव कर दिया। संजय दास, विन विदाउट फायर बटन। चलो यार, मैं आ चुका हूँ गेम में और मेरे को कहीं सेफ जगह उतरना है, तो मैं जाता हूँ मास इलेक्ट्रिक पे। चलो भाई, मेरे पीछे पीछे दो बंदे भी आ रहे हैं, मुझे उनसे बच्चे खेलना पड़ेगा। यहीं पे उतर रहे हैं क्या? ये रहा। ओहो, MP40 भाई, उतरते के साथ ही MP40 उठा लेते। चलो, और क्या है यहाँ पे? ओ, यहाँ पे M4A1। लेकिन यार मेरे पास फायर बटन है नहीं, तो मैं इसे चलाऊंगा कैसे? भाई बिना फायर बटन के ना मैं गन चला पाऊंगा, ना ग्लू वॉल लगा पाऊंगा, ना ग्रेनेड फेंक पाऊंगा। भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता बिना फायर बटन के। चलो यार, ये गन फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारी किसी काम की नहीं है, मेरे को बिना फायर बटन के जीतना है गेम। ओहो, यहाँ पे गाड़ी पड़ी है भाई, गाड़ी ले लेता हूँ मैं, बंदों को गाड़ी से उड़ाऊंगा। फायर तो कर नहीं सकता तो गाड़ी से उड़ाऊंगा मैं बंदों को। इसी तरह गाड़ी से मैंने एक किल किया, दूसरा किल किया और तीसरा किल भी किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं मर गया। फिर मैंने यही सेम चैलेंज फोन में किया और बिना फायर बटन के भूया कर लिया। स्टार गेमर,
गेट ऑल गोल्ड आइटम, मतलब मुझे गोल्ड से मिलने वाली सारी की सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। भाई ये चैलेंज सुनने के बाद मैं गेम पे गया और गया लक रॉयल में और ढूंढने लगा कि कौन कौन सी चीजें गोल्ड में अवेलेबल हैं। तभी मेरे को दिखा वेपन रॉयल जो कि गोल्ड में अवेलेबल था। फिर क्या था, मैंने वहाँ पे स्पिन मारे और सारे के सारे वेपन रॉयल निकाल लिए। फिर मैं गया गोल्ड रॉयल पे और वहाँ पे भी मैं स्पिन पे स्पिन मारने लगा और सारे गोल्ड आइटम निकाल लिए। और जैसे कि स्टार गेमर ने मुझे चैलेंज किया था गेट ऑल गोल्ड आइटम, मतलब कोई भी गोल्ड का आइटम छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं स्टोर में गया और गोल्ड आइटम ढूंढने लगा और मुझे वहाँ पे मिले ये बंडल जो सारे के सारे गोल्ड में थे। तो मैं एक एक करके सारे के सारे परचेज करने लगा और ये सारे के सारे परचेज करने के बाद मेरा चैलेंज पूरा हो गया। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है सुनीता की तरफ से, चेंज ऑल पेट नेम टू आई एम बॉट। तो मैं जल्दी से गया पेट वाले सेक्शन में और मैंने देखा कि मेरे पास तो आधे पेट है ही नहीं। तो भाई मेरे पास जितने पेट है मैं बस उन्हीं का नाम चेंज करूंगा। सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं हम लोग, भाई इतना अच्छा नाम था इसका किटी, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह कर करके मैंने अपने सारे पेट का नाम चेंज करके आई एम बॉट कर दिया। भाई मैंने सारे पेटों का नाम चेंज कर लिया और मैंने रख दिया आई एम बॉट। ये देखो यार पेट चेंज हो रहे हैं लेकिन इनका नाम चेंज नहीं हो रहा। देसी गेमर बुया ऑन फैक्ट्री। तो ये चैलेंज देखने के बाद मैं सीधा चला गया यूट्यूब पे और यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च किया देसी गेमर। फिर मैं गया उनके वीडियो वाले सेक्शन में और फिर मैंने उनको चेक किया मोस्ट पॉपुलर वीडियो और गेस व्हाट, सेकंड नंबर पे जो वीडियो आ रही थी वो थी फैक्ट्री टॉप की जिसपे थे 20 मिलियन व्यूज। तो फिर क्या था, मेरे को भी चाहिए थे मिलियन में व्यूज, तो मैंने देसी गेमर का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो यार मैं आ चुका हूँ गेम में और मेरे को जाना है फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री किधर है? ओ ये रही फैक्ट्री। चलो यार फैक्ट्री के पास से ही प्लेन जा रहा है, फैक्ट्री पे उतर सकता हूँ मैं। वो एक बंदा सामने की तरफ उतर रहा है लेकिन वो फैक्ट्री पे नहीं उतर रहा है यार। हट, वो ड्रोन आया, ड्रोन क्या पता बंदे वो ड्रोन में दिखा दे भाई ड्रोन बंदे। अरे यार मैं मतलब अकेला हूँ भाई फैक्ट्री पे, कोई और बंदा उतरा ही नहीं यहाँ पे। चलो यार इसके ऊपर जाने का ट्राई करते हैं यहाँ से ऐसे। हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं, इधर 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 इधर। अरे यार हट, ओहो इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, बस उसके ऊपर जाना है अब मेरे को। अरे यार हट भाई, नीचे की तरफ एक बंदा था यार, वो देखो। अरे वो देखो वो रहा, मैं उसको मैं मार भी नहीं सकता भाई, वो कर क्या रहा है वहाँ पे भाई, गन वन लेके वहाँ पे कैंपिंग कर रहा है भाई वो। चलो चलो फाइनली इस बार तो मैं वहाँ चले ही जाऊँगा। ओहो इसके ऊपर आ गया, मैं इसके ऊपर आ गया। वो कोई मार रहा है, कोई मार रहा है। अरे भाई क्या फायदा क्या भाई यहाँ पे आने का, उन्हें दोबारा नीचे भेज दिया मेरे को। हट गाड़ी लेके जा रहा है भाई, उसे पता है अगर वो जोन में नहीं जाएगा तो यहीं पे मर जाएगा। जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। इसी तरह करते करते मैं एक गेम फैक्ट्री में मरा, दो गेम फैक्ट्री में मरा और तीसरा गेम भी फैक्ट्री में मरा और फाइनली काफी देर बाद पहले जोन के बाद दूसरा जोन भी फैक्ट्री में बना लेकिन तीसरा जोन फैक्ट्री में नहीं बना। और ये अभी तक का मेरा बेस्ट गेम था जिसमें मैंने टॉप 9 किया था। टू साइड गेमर गिव डायमंड टू रैंडम एनिमी। चलो यार अलोन वुल्फ में चलते हैं और जो भी बंदा सामने आएगा मैं उसको देने वाला हूँ 100 डायमंड। चलो यार मैं गेम में आ चुका हूँ, सामने वाले बंदे का नाम देखते हैं। ओ हरिओम नाम है इसका। चलो इसको देने वाले हम डायमंड। चलो यार उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री में होगा वो बंदा। ओहो ये रहा वो बंदा हरिओम, इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। चले जा भाई एक्सेप्ट कर ले जल्दी जल्दी। ओहो एक्सेप्ट कर लिया, चलो बुलाते हैं इसे ग्रुप में। हेलो भाई। हेलो हेलो। अरे भाई तुम मेरे अपोनेंट में आए थे, तुम मेरे एनिमी थे। अरे हाँ भाई लेकिन आप बार बार रिक्वेस्ट काहे भेज रहे हो, परेशान कर रहे हो। अरे यार तुम डायमंड जीत चुके हो, डायमंड खुश हो जाओ भाई। मतलब क्या लगा के रखा है, कैसे डायमंड जीत गया बताओ मेरे पास, कुछ 5 डायमंड कुल पड़ा है मेरे उसमें। अरे ये लो रिडीम कोड लो, तुम रो क्यों रहे हो, ये लो भाई। सच में बोल रहे हो? अरे हाँ भाई ये देखो रिडीम कोड भेजा तुमको, रिडीम कर लो जल्दी से। यार ये सच में काम करेगा, रुको मैं चेक करता हूँ एक मिनट को। अरे हाँ भाई 100 डायमंड का हो गया यार। बस अब तो मानते हो ना। अरे यार ए भाई थैंक यू। ये तुम यूट्यूबर हो क्या, कोई चैनल का नाम क्या आपके? गेमर सेफ है, गेमर सेफ। ओके ओके भाई थैंक यू यार। फेयरलेस रिमूव योर ऑल फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट। भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई अपने 2 साल पुराने फ्रेंड को कैसे डिलीट कर सकता है? ये करने के लिए मेरे को करनी पड़ेगी प्लानिंग। तो मेरा प्लान ये है कि मैं उनको ग्रुप में बुलाऊंगा और ग्रुप में बुलाकर उनको किक कर दूंगा और फिर उनको डिलीट कर दूंगा, बस यही मेरा प्लान है। हेलो अभिनव भाई खेलोगे? चलो स्टार्ट करो यार, खेलना है मेरे को। मुझे नहीं खेलना भागो। चलो यार इसे दोबारा बुला के किक करते हैं। दोबारा है, दोबारा दोबारा किक किक। अरे हो जा। अरे, चलो इसको एक बार और बुलाते हैं, क्यों मजा आ रहा है? किक क्यों कर रहा है यार? अरे क्यों कर रहा है तू? अरे वो गलती से हो जा रहा अपने आप ही। अरे ऐसे कैसे अपने आप हो जा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। अब डिलीट करके किक मार दूंगा, अब आ भी नहीं पाएगा भाई। इसको डिलीट कर दिया, अब सारे बंदों को डिलीट करते जल्दी जल्दी करके। डिलीट फ्रेंड ओके, इसको भी डिलीट करेंगे हम। इसको भी डिलीट कर दिया मैंने, और भाई सबको डिलीट कर दूंगा आज तो मैं, कोई भी नहीं बचेगा भाई। मैंने सारे बंदों को डिलीट कर दिया, बस ये 2 जने बचे, इनको भी डिलीट करते हैं जल्दी से। डिलीट, और तू भी डिलीट। यू करंटली डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। फेयरलेस ये तुमने क्या किया, मैं गेम के साथ खेलूंगा।